हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल सिखा की रसोई में। आज मैं आपके साथ सेवई कस्टर्ड का वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कस्टर्ड को आप किसी भी पार्टी टाइम में डिज़र्ट के रूप में सर्व कर सकते हैं। सेवई कस्टर्ड बनाने के लिए आप कोई सा भी सेवई ले सकते हैं, भुनी हुई सेवई या बिना भुनी हुई सेवई। मैंने बिना भुनी हुई सेवई ली है। अब हम इसको घी में थोड़ी देर भुनेंगे। अब हम एक बर्तन में 2 चम्मच घी डालेंगे और सेवई को इसमें अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम सेवई को उसमें डाल देंगे और भून लेंगे। सिमी अच्छी से भून गई है। अब हम इसे देखिए कितनी अच्छी से भून गई है। अब हम इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर देंगे। कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने भारी तली का बर्तन लिया है। अब हम इसमें 1/2 लीटर दूध डाल देंगे और थोड़ा सा दूध हम बचा लेंगे। इसमें हम कस्टर्ड डालकर फेंटेंगे। अब हम दूध को अच्छी तरह से उबाल लेंगे। देखिए दूध अच्छी तरह से उबल गया है। जब तक दूध उबल रहा है तब तक हम कस्टर्ड फेंट लेंगे। इसके लिए मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है। आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं। जो हमने दूध निकाला था ठंडा दूध, उसमें 1 बड़ा चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और अच्छी तरह से इसको हम फेंट लेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से मिल गया है। अब हम इसको साइड में रख लेंगे। दूध अच्छी तरह से उबल गया है। अब हम इसमें भुनी हुई सेवई डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। जितना हमने सेवई लिया था उतने ही अमाउंट में हम चीनी डालेंगे। इतना चीनी बिल्कुल परफेक्ट रहता है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए सेवई कितनी अच्छी तरह से पक गई है। अब हम इसमें जो कस्टर्ड हमने घोला था उसको हम इसमें धीरे धीरे डालेंगे। एक हाथ से हम डालेंगे और दूसरे हाथ से हम इसे मिलाते रहेंगे, जिससे इसमें गुठलियाँ ना पड़ने पाए। और 2 से 3 मिनट तक हम इसको पका लेंगे। अगर आपको दूध गाढ़ा लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और मिला सकते हैं। कस्टर्ड थोड़ा ठंडा होने पे भी गाढ़ा होगा, इसलिए आप अगर आपको इस समय गाढ़ा लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं। दो से तीन मिनट हो गए हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से पक गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम इसे ढक देंगे और फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे।
देखिए फ्रिज में ये कितनी अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हम ग्लास में इसको लगाएंगे। उसके लिए मैंने कुछ फ्रूट कट कर लिए हैं। मैंने केला कट कर लिया है, अनार लिया है और अंगूर को भी कट कर लिया है। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई सा भी फ्रूट ले सकते हैं। इसमें आप एप्पल, मैंगो कुछ भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। अब हम ग्लास में इसको सेट करेंगे। इसके लिए मैंने कुछ बादाम भी कट कर लिया है, उसे भी हम इसमें डालेंगे। आपको ये डेज़र्ट कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। थैंक यू।